युद्ध में अब सजाए मौत देगा ईरान। ईरानी ने मांगी पीएम नेतन्याहू के लिए मौत की सजा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट पर्याप्त नहीं है। खामनेई ने सोमवार को IRGC के एक कार्यक्रम में दिए गए भाषण में कहा कि गिरफ्तारी वारंट के बजाय नेतन्याहू के लिए मौत की सजा जारी की जानी चाहिए। खामनेई की टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की तरफ से गाजा पट्टी में इजरायली कार्रवाई को लेकर नेतन्याहू और पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के कुछ दिनों के बाद आई है। उन पर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया है। IRGC से जुड़ी तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक खामनेई ने फारसी में कहा, जायोनी वादियों ने जो किया वो युद्ध अपराध है। उन्होंने उनके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया, ये पर्याप्त नहीं है। नेतन्याहू के लिए मौत की सजा जारी की जानी चाहिए। आपको बता दें, पिछले हफ्ते नेतन्याहू और गैलेंट के साथ ICC ने डेफ के लिए भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ICC ने कहा है कि उसे ये निष्कर्ष निकालने के लिए उचित आधार मिला है कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले के दौरान डेफ हत्या, विनाश, यातना, बलात्कार और यौन हिंसा के साथ साथ हत्या, क्रूर व्यवहार, यातना, बंधक बनाना, व्यक्तिगत गरिमा पर अत्याचार, बलात्कार और यौन हिंसा के अन्य रूपों के युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार था। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ओनली को सब्सक्राइब करें।